मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर पुलिस ने नकली शहद फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए मौके से बड़ी मात्रा में नकली शहद बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल जबलपुर की हनुमान ताल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी मदार टेकरी के चौधरी मोहल्ला स्थित फैक्ट्री में नकली शहद बनाकर आम जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार की रात छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से बड़ी मात्रा में नकली शहद के साथ अन्य सामग्री जब्त की है। बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री ताराचंद अहिरवार की है, जहाँ नकली शहद बनाकर उसे ऊंचे दाम पर बेचा जाता था। भैया चाय पी लो आप लोग जी। इसको उसी ने बड़े भैया चाय पी लो आप लोग लिए। कार्रवाई हुई क्या? आज हनुमान ताल में एक बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई है। हमने जो है नकली शहद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, और हमको सूचना मिली थी मुखबिर से कि काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पे ताराचंद अहिरवार करके है अपने घर पे नकली शहद बना के विक्रय कर रहा है। सूचना पे हमने दबिश दी। इसके लिए हमने CSP सर अखिलेश गौर सर और पहले पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, उनके निर्देश प्राप्त करके अखिलेश गौर सर को और फूड अधिकारी को हम साथ में लेके और छापामार कार्रवाई किए। तो ताराचंद अहिरवार जो कि सिंधी कैंप में रहते मदार टेकरी में, उनके घर में ये फैक्ट्री चल रही थी, जिनको रंगे हाथ पकड़ा और मौके से हमने पैक जो है लगभग 25 लीटर शहद अलग अलग क्वांटिटी में जो पैकिंग थी वो जब्त किए हैं, और एक गंजा जिसमें कि शक्कर का घोल था और जिससे बनाया जा रहा था जो है रॉ मटेरियल था उसको नष्ट किया है। 5 किलो शक्कर और दालचीनी सौंफ, वहाँ से पैकिंग करने की मशीन, रैपर, खाली शीशियाँ, ये सभी वहाँ से जब्त हुए हैं, और सभी चीज़ों को जब्त करके प्रकरण तैयार किया जा रहा है। यह जो है नकली शहद बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, इसमें जो धोखाधड़ी का केस प्रथम दृष्टया बनता है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। ओमकार ट्रेडिंग के नाम से यह गोरख धंधा चल रहा था और यहाँ पे नकली शहद बनाया जा रहा था। सर लगभग कितने का माल होगा इसकी? यदि हम प्रिंट रेट देखें तो लगभग 1 लीटर ये है, लगभग 250 में बेचते थे 1 लीटर थोक में। अगर 25 वो लगाएं तो लगभग 20-25 हज़ार का यह माल है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार है। ये 25 हज़ार बेच के इसका लाभ कमाते, तो अभी जब्त किए हैं, कार्रवाई की जा रही है। सर इनका खुद का मकान था या किराए से था? ये इनका खुद का मकान है और काफ़ी दिनों से लोग रह रहे हैं। पुलिस द्वारा जब्त माल की कीमत करीब 20 से 25 हज़ार रुपए बताई जा रही है। आरोपी नकली शहद को अलग अलग पैकिंग में ऊंचे दामों में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर से।